welcome back to all of you in today's class. See, yesterday we have solved the exercise, the question answer on the poem. On the basis of this poem, which poem? The Day by Day I Float My Paper Boat. Okay, so today we will see the question answer of the Who Did Patrick's Homework, है ना? उसके आज हम क्वेश्चन आंसर को एक बार और फिर से रिविजन करेंगे बिकॉज इट्स योर एग्जाम पीरियड. ओके, सो सी आंसर द फॉलोइंग. व्हाई डिडंट पैट्रिक डू हिज होमवर्क. हमको बोल बताना है. इफ इन योर एग्जाम इट विल आस्क दीज क्वेश्चन, यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू जस्ट लर्न बाय हार्ट all this question answer. You have to learn all the exercises, you have to solve. Okay, without solving the question answers, without solving any exercises, you will never solve question answer, you will never write in your exam paper. So that's why you have to start the exam. Only 3-5 days left to exam. Okay, see, why didn't Patrick do his homework? जो पैट्रिक है, who was hate his homework, है ना? वो अपना homework क्यों नहीं करता था? क्या reason था? What is the reason behind? क्यों? क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाना. He doesn't like to go to school. He hates to do the homework. उसको बहुत ही ज़्यादा हेट था, उसको नहीं अच्छा लगता था क्या होमवर्क करना, है ना? इसीलिए वो क्या करता था, ही डिडंट पैट्रिक डू हिज होमवर्क. अच्छा नहीं लगता था. ही हेट्स, ही प्ले अ बेसबॉल बास्केटबॉल. आपको लिखना है उसके कि क्यों उसको अच्छा नहीं लगता था, है ना? ही थॉट दैट इट इज़ टू बोरिंग टू डू द होमवर्क. बहुत ही बोर है होमवर्क करना, है ना? ओके, सो यू हैव टू राइट द आंसर. उसके बाद क्या है, व्हाट हैपेंड ऑन सेंट पैट्रिक डे. सेंट पैट्रिक डे में क्या हुआ था? जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, इफ यू हैव लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर आफ्टर माय क्वेश्चन, यू हैव टू एटलीस्ट स्पीक आउट द आंसर. जब मैं बोलूंगी क्वेश्चन तो आपको अगर लर्न हो गए तो आप बोलते जाओ मेरे पीछे पीछे आपको भी. ओके, सो व्हाट हैपेंड ऑन द सेंट पैट्रिक डे. सेंट पैट्रिक का जो दिन रहता है उस दिन क्या हुआ था, व्हाट वाज द हैपन. ओके, व्हाट हैपन. ओके, उसके बाद हाउ डिड लव फेवर पैट्रिक. किस प्रकार से पैट्रिक के साथ लव फैक्टर था, क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था कि ही गॉट अ एल्फ. उसको क्या मिला था, एल्फ मिला था. और लव फैक्टर क्यों था, बिकॉज ही हेल्प एल्फ वॉज हेल्प टू डू हिज होमवर्क. उसका होमवर्क करने के लिए वो हेल्प करना करने वाला था. ही वॉज रेडी टू डू द हेल्प टू डू हिज होमवर्क, है ना? उसके होमवर्क करने के लिए ही वॉज रेडी. सो दैट्स व्हाई द लव फैक्टर, द लव फेवर टू हिज द पैट्रिक. समझ में आ गया? उसके बाद why did the elf bother Patrick every now and then. Patrick, why did the elf bother, elf Patrick को क्यों बोलता था, क्या reason था, है ना? उसके बाद तब और अब के बोला है वहां पे, मतलब आपको दोनों भी लिखना है, then and now, तब और अब. why was the Patrick very in what way did Patrick turn into the model kid. किस प्रकार से Patrick, पहले जो ढ था बुद्धू था, मतलब होमवर्क नहीं करता था, वो किस प्रकार से ही जस्ट टर्न इंटू द मॉडल किड, किस प्रकार से वो सबके लिए एक मॉडल किड बन गया, ये आपको लिखना है, है ना? और रीजन लिखना है, वे लिखना है, व्हाट इज द वे, किस प्रकार से. उसके बाद ऑल द व्हाइल हु वाज एक्चुअली डूइंग द होमवर्क, वो आपको लिखना है कि इस पूरे आफ्टर रीडिंग होल द लेसन व्हाट यू फाउंड द होमवर्क, हु विल
सॉरी हु डिड, किसने होमवर्क मतलब किया है, आपको क्या लगता है एक्चुअल में होमवर्क किसने किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इफ विल आस्क इन योर एग्जाम यू हैव टू सॉल्व वन बाय वन बिफोर यू स्टार्ट द बिफोर यू राइट द एग्जाम यू हैव टू नो द क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाई बिफोर यू स्टार्ट टू राइट द आंसर यू जस्ट रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, कम से कम आपको दो बार तो भी पढ़ना है, ये तो पता चला कि एक आंसर का दूसरा ही आंसर लिख रहे हैं। सो सेकेंड ए हो गया हमारा, इसी प्रकार से आपको वन बाय वन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, बी स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। सी इफ विल आस्क इन योर एग्जाम ट्रू एंड फॉल्स, इफ द सेंटेंस इज ट्रू यू हैव टू पुट द टिक द राइट, इफ द सेंटेंस विल नॉट करेक्ट यू हैव टू पुट द क्रॉस, मतलब उसको फॉल्स लिखना है, मतलब एफ मतलब ट्रू लिखना टी आर यू और फॉल्स लिखना एफ एल एफ ए एल एस ई फॉल्स लिखना। ठीक है, अब देखो पैट्रिक प्लेड टेनिस एंड हॉकी, तो हमको पता है कि पैट्रिक टेनिस और हॉकी खेलता था क्या, नहीं। पैट्रिक प्लेड अ बेसबॉल एंड बास्केटबॉल, समझ में आया क्या खेलता था वो, बास्केटबॉल एंड बेसबॉल। द एल्फ वोर अ टॉल हैट मच लाइक अ विच, तो जो एल्फ था जो टीनी मैन था वो क्या सच में बड़ी सी हैट पहनता था लाइक अ विच, तो यस ही वोर अ लॉन्ग हैट। ओके, लॉन्ग एंड टॉल हैट, लंबी सी। उसके बाद पैट्रिक गॉट ए प्लस, यस इन दे विल आस्क पैट्रिक गॉट ए प्लस, नहीं दिया रहेगा तो इट इज अ ट्रू और सॉरी इट इज अ फॉल्स बिकॉज ही गॉट अ ए प्लस। बी लिखा रहेगा तो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो फॉल्स, जब तक ए प्लस आपको दिखेगा नहीं तब तक आप श्योर नहीं हो जाना कि दैट आंसर इज अ ट्रू। सो ऑब्वियसली पैट्रिक गॉट अ ए प्लस, आफ्टर ए प्लस होना चाहिए, सो इट इज अ ट्रू। सी एल्स नो देयर मल्टीप्लीकेशन टेबल्स एंड हिस्ट्री हिस्ट्री एंड वेल, जो एल्स है उसको पता था क्या ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में और मल्टीप्लीकेशन के बारे में, नो ही डिडंट नो अबाउट द ह्यूमन हिस्ट्री एंड ही डिडंट नो अबाउट द मल्टीप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन डिवीजन, ये उसे कुछ भी नहीं पता था। सो दैट्स व्हाई एल्फ सेंट इन द लाइब्रेरी, एल्फ सेंट टू पैट्रिक इन द लाइब्रेरी टू कलेक्ट दीज ऑल द बुक्स, इसलिए वो क्या करता था एल पैट्रिक को कहाँ भेजता था, लाइब्रेरी में भेजता था कि जो उसको नहीं आ रहा है यू जस्ट ब्रिंग दीज बुक्स, वहां से हम क्या करेंगे पढ़ाई करेंगे, समझ में आ रहा है। सो वो क्या है, वो फॉल्स है। इट वॉज वेरी रूड एंड डिड हिज होमवर्क व्हेन द एल वॉज डूइंग हिज होमवर्क दैट टाइम हिज बिहेवियर वॉज रूड, नो ही जस्ट have a patience when he taught to the pattern, जब वो उसको बताता था जब उसका homework करता था तब उस वो क्या था that time he just polite he never rude with the pattern, समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये भी false है, you have to put the false। then Patrick had changed into the model kit, yes Patrick change Patrick turn into the model kit because after the exam when result were announced that time Patrick was a winner, the Patrick got a A plus, Patrick ko kya mila tha A plus mila tha, so that's why the Patrick had changed into the model kit। पहले ढक था, पहले बुद्धू था, पहले फेल हुआ करता था, बट सडनली ही हैड अ चेंज, चेंज हो गया, जीरो से हीरो बोलते हैं ना वैसे, तो फेल टू फेल से कन्वर्ट होके क्या हो गया, वो पास हो गया। तो ऑब्वियसली एवरीबडी वॉज सरप्राइज, इवन देयर पेरेंट देयर टीचर्स एंड देयर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो भी स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो भी क्या हो गए, दे वर अमेज्ड, दे शॉक। सो दैट्स व्हाई वो एक क्या हो गया मॉडल किट हो गया।
कि अगर रहते हैं ना कोई स्टूडेंट्स बहुत सारे रहते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं ही गॉट अ ए प्लस, ही इज अ मेरिट स्टूडेंट, तो जाओ उसने किस प्रकार से पढ़ाई की है, हम पूछते हैं कि तुमने क्या पढ़ाई है, तो हम ये इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स अ मॉडल है. तो यस इट इज अ ट्रू एंड इट हैड चेंज इन टर्न इन टू द मॉडल. समझ में आया? तो इसी प्रकार से आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं. ओके, सो टुमारो वी विल टेक अनादर एक्सरसाइज, टिल देन यू हैव टू कीप स्टडी. ओके, सो वी विल सी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय.